वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, लेट्स बिगिन। तो भाई लोग, ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है। हम लोगों ने एपिसोड 1 में लेवल 1 फॉरेस्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग लेवल 2 कंप्लीट करेंगे और एक नॉर्मल बेस बनाएंगे। बेस मतलब नॉर्मल एक हाउस रहने के लिए, जहां हम सर्वाइव कर सकें, जॉम्बी वगैरह अटैक करेंगे तो बच सकें, वैसा टाइप का। तो आज के हमारे टास्क हैं, फर्स्ट लेवल 2 कंप्लीट करना, सेकंड एक घर बनाना, थर्ड है अगर हमें इनफ आयरन मिले तो आयरन आर्मर बनाना। गाइज आपको बेस में कुछ चेंज मिलेगा हमारे वन ब्लॉक के बेस में, जैसे शीप नहीं है, शीप वो पता नहीं डिस्पॉन हो गई या गायब हो गई। गाइज मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने फेंस रिमूव कर दी और 4x4 का एरिया एक्सपेंड कर दिया है मैंने अभी। गाइज आप लोग को जल्दी ही पीक SMP का नेक्स्ट एपिसोड देखने मिलेगा। गाइज उसमें हम बहुत औसम एडवेंचर्स करने वाले हैं, तो उस सीरीज़ को भी सपोर्ट करो। अब ये वीडियो देखो। गाइज अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्स होंगे तो हम घर बनाएंगे अच्छे से, वरना उसका एक स्ट्रक्चर टाइप बनाकर हम छोड़ देंगे, क्योंकि गाइज अगर रिसोर्सेज अच्छे नहीं रहेंगे तो घर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट जो वन ब्लॉक का वीडियो आएगा तो उसके बाद हम उसको पूरा बना देंगे। गाइज आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का हमारा लाइक गेम है 50 लाइक्स का, प्लीज़ करा देना। और गाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फायर गेमिंग एंड हैकर OP, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों को स्काई ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट के लिए इंतजार करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको डुओ चाहिए रहेगी तो हम डुओ के ऊपर भी बना देंगे। अरे भाई हमको सुपर चेस्ट मिला है, चलो गाइज देखते इसमें क्या है। अरे डायमंड, गाइज हमको डायमंड भी मिल चुका है आज की वीडियो में। और कुछ ये फालतू के टूल्स हैं गोल्ड के, जिनका कोई यूज़ नहीं है, ना ही मैं इनको यूज़ करने वाला। मन तो कर रहा है फेंक दूँ इनको, पर गाइज रखते हैं फिर भी सेफ्टी के लिए, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे इनको भी। चलो तो हमारे पास 5 आयरन है, इनको स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं, फर्नेस बनाते हैं, उसके बाद इनको स्मेल्ट करते हैं। चलो गाइज इन 5 आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया है। हम लोग 5 आयरन का कर क्या सकते हैं? गाइज हम लोग एक शियर बना लेंगे और एक पिकैक्स, क्योंकि शियर की ज़रूरत पड़ेगी बेड वगैरह बनाने के लिए, वूल के लिए, और पिकैक्स तो नॉर्मल यूज़ के लिए अगर डायमंड ओर मिला। वैसे गाइज इसमें डायमंड ओर अभी नहीं मिलेगा हमको, केव्स उसमें मिल जाएगा, शायद नेक्स्ट एपिसोड में आपको डायमंड ओर भी देखने के लिए मिल सकता है। गाइस जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमको एक चेस्ट मिला था लास्ट में, और उसमें हमको कुछ फालतू की चीज़ें मिली थी और 2 मस्त चीज़ें मिली थी, OP चीज़ें, जैसे एक वाटर बकेट हो गया और एक आइस क्यूब था शायद। तो मैंने उन दोनों को वाटर सोर्स बना दिया उनका, अनलिमिटेड आइस को तोड़ा, उसके बाद वाटर बकेट डाल दी। तो अभी गाइस हमको कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी हम फार्मिंग भी कर रहे हैं, जैसे आप साइड में देख सकते हो हम फार्मिंग भी कर रहे हैं। और गाइस साइड में वो अकेशिया से, उससे हमने अकेशिया प्लैंक से फुल वाटर सोर्स भी बना के रख रखा है। चलो तो हमको फाइनली वन ब्लॉक वालों ने एक जानवर दे दिया, मतलब दूसरा जानवर दे दिया है, पहला शीप था वो तो पता नहीं क्या हो गया। अभी हमको पिग मिला है, चलो गाइज इस पिग को ट्रैप कर देते हैं। हाँ ट्रैप नहीं बोलेंगे हम इसको, बंद कर देते हैं अभी के लिए फेंस के अंदर, उसके बाद इनके लिए बड़ा सा एक बर्न हाउस भी बनाएंगे। गाइज हमको इधर एक शीप भी मिल गई थी, पता नहीं वो स्पॉन हुई थी या कैसे, पता नहीं अभी ग्रास हो गया तो शायद स्पॉन हो सकते हैं जानवर, तो वो शीप तो खुद ही चली गई। ये पिग ने मेरे को इतना परेशान किया गाइज, आप पूछोगे नहीं, मैंने वीडियो इतना छोटा कर दिया इसके पार्ट से, इतने मेरे को बहुत परेशान किया है। गाइज मेरे को लगा ये शीप दो वूल दे देगी, पर इसने तो एक ही वूल दिया। गाइज अभी इसका वेट करते हैं, दूसरा पूरा मतलब आने के लिए मतलब वूल आएगा जब इसका ये ग्रास खाएगी, तो गाइज उसके लिए वेट करते हैं जब भी हम सो सकते हैं, पता नहीं इस रात सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। गाइज मेरे को इस पिक का पार्टनर मिला, और इस पिक का पार्टनर भी बहुत गंदा है, इतना गुस्सा रहा था इन दोनों के ऊपर, इन लोगों ने जाते ही नहीं फेंस के अंदर, फिर गाइज ये खुद ही चले गए थे, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं माइनिंग कर रहा था उस टाइम पे लोग चले गए थे। अच्छा हुआ, क्योंकि गाइज मेरे पास कैरेट नहीं था, उसकी वजह से इनको मैं बुला भी नहीं सकता था, इनको ललचा भी नहीं सकता था। गाइज तो अभी मैं माइनिंग कर रहा था तो मेरे को एक शीप भी मिली, वाइट शीप थी, पहले हमको ब्राउन वो कौन सा कलर था पता नहीं, ग्रेज टाइप था, वो शीप मिली थी। तो गाइज उस शीप का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि उससे हमको वो वूल दे ही नहीं रही थी। तो गाइज तो मैंने इधर एक पिकैक्स बनाया, तो गाइज आप कमेंट करके ये मत बोलना कि मैंने चीटिंग किया, क्रिएटिव यूज़ किया, क्या तेरे पास 4 आयरन कैसे आया। गाइज आपने देखा होगा मिड में मैंने एक और आयरन डाल दिया था, 5 के साथ 6 हो गए थे, तो उसी में से ये 4 हैं, तो इनका एक अभी पिकैक्स बनाया मैंने। तो मैं माइनिंग ही कर रहा था तो मेरे को ऊपर में एकदम शो हुआ, जिन लोगों ने ये मैप बनाया उनका डाउनलोड करने का हुआ है, कि अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में अवेलेबल है अभी भी।
गाइस जो ये शीप थी ये मान ही नहीं रही थी, ये जा ही नहीं रही थी अंदर, जैसे वो पिक चले गए थे ना खुद से वैसे जा ही नहीं रही थी। तो मैंने साइड से अपने फार्म से एक वीट तोड़ा और इसको अंदर फंसा दिया और फिर इससे वूल ले लिया मैंने। और गाइस आपको पता है इसने एक साथ 3 वूल ड्रॉप किया, यानी मेरा बेड का जुगाड़ हो गया। चलो गाइस 3 प्लैंक की ज़रूरत है, 3 प्लैंक ले लेते हैं, उसके बाद बेड बना के आराम से मस्त सो जाएंगे, क्योंकि कितने दिन से सो ही नहीं है हम लोग अभी तक। गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस ये मेरे को बेड का कलर पसंद नहीं आया, चलो इसको ब्लू कर देते हैं। इधर हमारे पास कुछ फ्लावर्स मिले थे स्टार्टिंग वाली एपिसोड में, तो उसी को चेंज कर देते हैं ब्लू कलर में, मतलब फ्लावर को नहीं बेड को कलर चेंज कर देते हैं। तो गाइस हमको एक और सुपर चेस्ट मिला है, पहले आयरन को डाल देते हैं, जो हमारे पास 2 आयरन है। अरे गाइस इसमें भी डायमंड है और एक पिकैक्स है गोल्ड का। गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सपोर्ट दिस सीरीज, एंड गाइस आगे आपको और सीरीज भी देखने मिलेंगी, तो गाइस एक लाइक कर दो, हमारा एम कंप्लीट करा दो आज का। गाइस माइनिंग करते समय मेरे को रेयर चेस्ट मिला है। गाइस रेयर चेस्ट बहुत मतलब रेयर, मतलब आप समझ सकते हो रेयर मिलता है। और गाइस इसमें देखो कितने औसम औसम डायमंड आइटम्स है, इवन मेरे को अभी क्राफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है डायमंड्स का कुछ, मतलब मेरे को एक डायमंड और मिल जाता तो पिकैक्स बन जाती। अब गाइस हमको स्वॉर्ड मिल चुकी है और एक हेलमेट मिल चुका है और एक लेगिंग्स मिल चुकी है और इंचांटेड टेबल भी मिल चुका है। गाइस इधर मेरे को अपनी जो काव की जोड़ीदार मिल चुकी थी, चलो इसको भी अंदर डाल देते हैं। अरे गाइस थक गया माइनिंग करते करते। चलो तो गाइस कंप्लीट हो गया हमारा लेवल 2, अब लेवल 3 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है दी केव्स। और गाइस अभी हम लोग बनाते हैं घर नॉर्मल बेस। गाइस शायद पूरा नहीं बन पाएगा जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उतना हमको आइटम्स नहीं मिला है और डर्ट की भी बहुत कमी हो रही है, तो हम कॉबल स्टोन से ही बनाएंगे बेस। तो चलो तो गाइस आप बेस देखना एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। गाइस ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट कर देंगे। Why are we still here? Just to suffer. गाइस मैं मर गया था, तो गाइस वो बेस रिपेयर कर रहा था, उसको एंड साइट और वो केव फाइट वगैरह से रिपेयर कर रहा था। तो गाइस मैंने आपको जैसा बोला था हमारा थर्ड टास्क है फुल आयरन आर्मर गेम में कवर होना, तो गाइस हम आधा डायमंड रहेंगे और आधा आयरन रहेंगे, तो आप लोग देख लो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।